दोस्तों अभी अभी सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर आरबीआई ने पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। अगर आपका पेटीएम पेमेंट बैंक में अकाउंट है, उसके अंदर पैसा है, तो आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। इस वीडियो के अंदर मैंने पॉइंट बाय पॉइंट बताया है कि आरबीआई ने क्या रूल्स एंड रेगुलेशन लागू किए हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के लिए और क्यों इसे बैन कर दिया गया है। अब आपके पैसे का क्या होगा, उसे आप कैसे विड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारी न्यूज है, तो एक एक करके मैं आपको बताता हूं। इससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। ये आप देख सकते हैं कि मैं यहां पे आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूं। आरबीआई की तरफ से पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर एक प्रेस रिलीज किया गया है और यहाँ पे पूरा डिटेल में मेंशन कर दिया गया है। ये पूरा पोस्ट इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे हिंदी में पॉइंट बाय पॉइंट एकदम पूरा फिल्टर करके समझा दे रहा हूँ कि यहाँ पे आरबीआई कहना क्या चाहता है और क्यों पेटीएम पेमेंट बैंक को बैन कर दिया गया है। तो सबसे पहला सवाल आपके मन में ये होगा कि पेटीएम पेमेंट बैंक को बैन क्यों किया गया। दोस्तों आरबीआई ने सेक्शन 35A के तहत पेटीएम पेमेंट बैंक को बैन कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि पेटीएम पेमेंट बैंक का सिस्टम ऑडिट आरबीआई किया और उसमें इन्होंने पाया कि पेटीएम कुछ गड़बड़ कर रहा है, और आरबीआई को जब गड़बड़ी लगी तो इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया, तुरंत एक्शन लिया गया, और उस एक्शन में ये हुआ कि पेटीएम पेमेंट बैंक को आरबीआई ने पूरी तरीके से बैन कर दिया है। दोस्तों ये जो बैन है वो एकदम से इंस्टेंट लागू हो रहा है। आज 31 जनवरी 2024 है और इसी दिन से पेटीएम पेमेंट बैंक में किसी भी नए यूजर को खाता खोलने के लिए पूरा बैन लगा दिया गया है, रोक लगा दिया है। अब कोई भी नया यूजर अपना पेटीएम पेमेंट बैंक में खाता ओपन नहीं कर सकता है। अगला जो अपडेट आप सभी को जानना बहुत जरूरी है कि वो ये है कि क्या क्या चीज आप अब पेटीएम में कर पाएंगे आरबीआई के नए रूल के बाद, जो बैन लगा है तो उसमें अब क्या क्या कर सकते हैं। पहला चीज, किसी भी पेटीएम पेमेंट बैंक के कस्टमर का अकाउंट में पैसे को क्रेडिट या फिर डिपॉजिट नहीं किया जा सकता है। इस पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। किसी भी, आप अगर नए कस्टमर हैं तो भी, पुराने कस्टमर हैं तो भी, किसी भी कस्टमर के खाते में लेन देन करने पर रोक लगा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहां पे आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि अरे भाई मेरा तो पेटीएम पेमेंट बैंक में पैसा पड़ा है, उसका क्या होगा। तो इस पर भी आरबीआई ने एक पॉइंट मेंशन किया है कि अगर आपका कोई भी पैसा पेटीएम पेमेंट बैंक में है तो उसे आप बिना किसी दिक्कत परेशानी के विड्रॉ कर सकते हैं। और ट्विटर पे मैंने जब पढ़ा तो बहुत सारे कस्टमर ये करके कमेंट कर रहे हैं, ये करके ट्वीट कर रहे हैं कि आज तो मैंने आराम से अपना पेटीएम पेमेंट बैंक को खाली कर लिया। तो दोस्तों अगर आपका भी पेटीएम पेमेंट बैंक में कोई भी पैसा पड़ा हुआ है तो आप उसे आराम से चुटकियों में निकाल सकते हैं। यहाँ पे आरबीआई की तरफ से एक चीज मेंशन आ रहा है कि यहाँ पे अब किसी भी प्रकार का कोई भी क्रेडिट या फिर डिपॉजिट ट्रांजेक्शन अलाउड नहीं है। ये अलाउ कब से होगा, 29 फरवरी 2024 के बाद से कोई भी इंटरेस्ट आती है या फिर कोई कैशबैक आता है या फिर किसी का रिफंड आता है और कोई क्रेडिट करना हो तो आप एनी टाइम कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए तो पूरा तरीका से इस पर बैन लगा दिया गया है। अब दोस्तों यहां पे आप सभी को मैं एक चीज और अपडेट बता दूं कि अभी हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर जितने भी फास्टैग अलाउड हुए थे उनको सस्पेंड कर दिया है, और हाल ही में बहुत सारे कस्टमर को नोटिफिकेशन आ रहा है कि योर पेटीएम पेमेंट बैंक
फास्टैग विल बी सस्पेंडेड। क्यों? क्योंकि उनके पेटीएम पेमेंट बैंक में आरसी अपलोड नहीं था और इसी के कारण पेटीएम पेमेंट बैंक के जितने भी फास्टैग है वो भी सस्पेंड हो रहे थे। तो ये थोड़ा दो तीन दिन पहले का न्यूज था। आज रिसेंट न्यूज ये है कि पूरी तरीके से पेटीएम पेमेंट बैंक को ही आरबीआई ने बैन लगा दिया है। दोस्तों मैं यहां पे आप सभी को बताते चलूं कि पेटीएम पेमेंट बैंक को बैन किया गया है, ना कि पेटीएम ऐप को। पेटीएम पेमेंट बैंक में जो भी आप सभी ट्रांजेक्शन करते हो या फिर किसी को पैसे भेजते हो, रिसीव करते हो, उसके लिए बैन लगाया गया है। यूपीआई पे इसका कोई भी असर नहीं होने वाला है, तो ये चीज का भी आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरीके से डिटेल में समझ चुके होंगे कि पेटीएम पेमेंट बैंक को क्यों बैन कर दिया गया। इसलिए बैन कर दिया गया क्योंकि पेटीएम पेमेंट बैंक में सिस्टम ऑडिट होने के बाद आरबीआई को कुछ गड़बड़ी पाया गया, इसके तहत पेटीएम पेमेंट बैंक को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। दूसरा चीज, अब आपके माइंड में यह सवाल आ रहा होगा कि हम अपने पैसे को कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉल का सिस्टम बहुत ही सिंपल है, जैसे आप हमेशा करते आए हैं वैसे ही आप कर सकते हैं, लेकिन आपको विड्रॉल में कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा। अगर आपके पास जो भी पैसे पड़े हैं उनको आप आराम से अपने किसी अन्य बैंक में निकाल सकते हैं। अगला चीज आप सभी को इस वीडियो के अंदर पता यह चला कि अब आप किसी भी प्रकार का कोई भी लेन देन पेटीएम पेमेंट बैंक से अब नहीं कर सकते हैं, पूरी तरीके से अब अलाउ नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी पूरी डिटेल में जानकारी पा चुके होंगे। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को अभी तक ऑन नहीं किए हैं तो उसे भी ऑन कर लीजिएगा। बाकी हम मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर टिल देन एंड गुड बाय।